सो हेलो माय डियर फ्रेंड, सिविल स्टार्टअप यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो 20 इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप खुद की ऑफिस खोल के कोई प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, या तो आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं जो अभी पढ़ के निकले हैं, या तो आप पढ़ भी रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और 20 इंटरव्यू क्वेश्चन का जो पार्ट वन था, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें जो भी 20 इंटरव्यू क्वेश्चन हैं वो आपके सिविल इंजीनियरिंग के पूरे बेसिक नॉलेज को कवर करते हैं, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सिविल इंजीनियर से ये क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए। तो ये आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज का, तो इसमें 20 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन पार्ट वन में थे, ये पार्ट टू है, तो टोटल ये 40 क्वेश्चन यदि आप सही तरीके से समझ लेते हैं और देख लेते हैं, तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आप कहीं साइड में जाएंगे या कुछ प्रोफेशनल वर्क करेंगे या किसी इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि हाँ, मेरे से नॉर्मल इतना क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज है मेरे पास कि मैं कहीं जाके आसानी से इंटरव्यू दे सकता हूं। सो हम शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पार्ट टू का। तो पहला क्वेश्चन है यार, व्हाट इज़ द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू वास्तु। मतलब वास्तु के हिसाब से जो प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ईशान कोण कहते हैं। देखो, कोई भी जब आप प्लानिंग करते हो, कोई भी ड्राइंग बनाते हो, तो उसमें वास्तु बहुत ज़रूरी होता है, और वास्तु के लिए हम स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। सो अभी इस क्वेश्चन को ईशान कोण इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ 2 BHK एंड 3 BHK एंड 4 BHK। ये यार, जैसे 2 BHK, 2 बेडरूम एक हॉल किचन, 3 बेडरूम 4 बेडरूम एक हॉल किचन, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ये फ्लैट पे रिक्वायर होता है, बाहर की सिटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हो सकता है अभी आप ना सुने हो, लेकिन ये 2 BHK 3 BHK के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो है व्हाट इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट। सो रेनफोर्स, व्हाट इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ये तो आई थिंक आपको पता होगा। रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो मिक्सचर ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट, यहाँ होना चाहिए सॉरी, वाटर विथ स्टील वार्स। एग्रीगेट कंक्रीट जगह एग्रीगेट कर लेना यार, वो गलती से हो गया है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DPC, PC, PCC एंड RCC। तो DPC का है डैम प्रूफ कोर्स, और PC का पाइल कैप, PC का भी प्रीकास्ट कंक्रीट कह सकते हैं, और PCC का प्लेन सीमेंट कंक्रीट, RCC का रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आई थिंक ये आपको पता रहा होगा, नहीं पता है तो भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन 1 क्यूबिक मीटर। यदि हम 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का यदि हम एक क्यूब बनाएं, तो उसमें कितने ब्रिक्स आएंगे, तो करीब 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आते हैं यार, उसमें 500 ब्रिक्स आते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो है फार्मूला फॉर फाइंडिंग अ यूनिट वेट ऑफ सर्कुलर बार। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार, D2/162। जैसे एक यूनिट का निकालना है आपको, तो kg पर मीटर, एक मीटर का कितना आएगा वो निकल जाएगा, और यदि आपको 10 मीटर का निकालना है तो ×L, ये L यानी वो 10 मीटर को आप उस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और D यानी डायमीटर ऑफ बार था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ फ्लैट स्टील बार। तो इसका वो सर्कुलर था, ये फ्लैट है, वॉल्यूम ऑफ स्टील बार मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ स्टील, जो कि 78:50। डेंसिटी के लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से जाके आपको सारे मटेरियल की डेंसिटी मिल सकती है, उस वीडियो को ज़रूर देख लो। और क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टर अकॉर्डिंग टू IS कोड। सो यार, IS कोड 2402/1963 के हिसाब से हम 6 से 25 mm तक का, 6 mm मिनिमम, 25 mm तक का मैक्सिमम प्लास्टर करते हैं। तो जो छत की सीलिंग होती है कंक्रीट प्लास्टरिंग, उसमें 6 mm, बाकी नॉर्मल वॉल में 12 mm। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाई डू वी डू द स्लंप टेस्ट। स्लंप टेस्ट क्यों किया जाता है, तो जो कंक्रीट होती है उसकी वर्कबिलिटी चेक करने के लिए स्लंप टेस्ट किया जाता है। वर्कबिलिटी क्या होती है कि कोई भी कंक्रीट हम कितने समय तक यूज कर सकते हैं। जैसे हम यदि बहुत उसमें पानी नहीं रहेगा ना, तो जैसे यदि वाटर हम ज़्यादा मिक्स कर दें तो उसकी वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। वर्कबिलिटी का मतलब है वो जल्दी सेट नहीं होता, थोड़ा टाइम से सेट होता है, ताकि हम उसे आसानी से रिप्लेस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 ton = 1 quintal = 1 ton = 1000 kg, 10 quintal 100 kg, 1 quintal = 100 kg। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़रूरी है यार। ये यूनिट जो है, जो मेजरमेंट की यूनिट है, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनसे ये तक नहीं आते। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है और उनके आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो 1440 kg/m³। उसके लिए ऑलरेडी मैंने डेंसिटी के लिए, सारे मटेरियल की डेंसिटी के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पर, उसे जाके आप देख लीजिए।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो है व्हाई डू वी डू विकेट अपर्चर्स टेस्ट। तो सो विकेट अपर्चर्स टेस्ट के लिए हम सीमेंट की कंसिस्टेंसी जानने के लिए करते हैं यार, मतलब जो सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है, तो वो सीमेंट कितने समय तक के लिए, कितने समय में हार्ड हो जाती है, उसका मिनिमम क्या होता है और फाइनल टाइम क्या होता है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम सीमेंट का विकेट अपर्चर्स टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट। तो ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है यार, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, परसेंटेज ऑफ स्टील यूज इन कॉलम्स। सो जो हम कॉलम्स में स्टील यूज करते हैं, रेनफोर्समेंट और बार्स यूज करते हैं, उसमें 0.8% से 4% तक ले सकते हैं यदि लैपिंग नहीं है, और लैपिंग है तो 6%, बिना लैपिंग के 6% तक, लैपिंग है तो 4% तक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, वेयर इज़ द बेस्ट सैंड फाउंड इन इंडिया। तो कहाँ सबसे अच्छी जो सैंड यानी बालू होता है यार, हिंदी में यदि बात की जाए, तो कहाँ सबसे अच्छी बालू पाई जाती है, तो इन्नौर में पाई जाती है, जो पहले मद्रास था, अब चेन्नई कहते हैं, उसी बालू पे हर प्रकार की टेस्टिंग की जाती है सैंड को लेके, जिससे हम आईएस कोड को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आईएस कोड आर यूज फॉर पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आईएस 456:2000। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट आप आरसीसी जो सब्जेक्ट लगता है सिविल इंजीनियरिंग पे, उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे थंब रूल दिए हुए हैं जिससे आप आसानी से कोई प्लानिंग कर सकते हैं और डिजाइनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, व्हाट इज अ वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट। तो वन बैग सीमेंट की क्या वॉल्यूम होती है, वो होती है 0.0347 क्यूबिक मीटर या तो 1.23 क्यूबिक फीट। ये वॉल्यूम होती है वन बैग सीमेंट, जो 50 केजी का वन बैग होता है उसकी ये वॉल्यूम होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज प्राइमरी बीम। तो प्राइमरी बीम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वो बीम जो कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड होती है और कॉलम टू कॉलम लोड ट्रांसफर करती है, उसे हम प्राइमरी बीम कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको अच्छे से नहीं समझते हैं, उनका क्लियर नहीं होता उनका कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है यार, जो बीम कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड होती है वो प्राइमरी बीम है। और व्हाट इज़ अ सेकेंडरी बीम, ये भी जानना जरूरी है। तो जो बीम यार कॉलम टू कॉलम नहीं बल्कि कॉलम टू बीम या बीम टू बीम कनेक्टेड होती है, वो बीम सेकेंडरी बीम कहलाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो कॉलम टू बीम या बीम टू बीम लोड ट्रांसफर करती है, कनेक्टेड होती है, वो सेकेंडरी बीम हो जाती है, जो अक्सर बीच में होती है हॉरिजॉन्टल स्पान में, मैक्सिमम वर्टिकल स्पान में मेन बीम होती है, यानी प्राइमरी बीम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 105 kg/cm³ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सेकंड क्लास का 70 kg से, और थर्ड क्लास जो फायर ब्रिक्स होता है उसका 125 kg से कम नहीं होना चाहिए।